लेट स्टार्ट विथ सेवेंथ क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है और उसका सम टोटल लेना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे कैसे निकालेंगे वो देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकल सकती है नाइन्टी प्लस एक्स स्ट्रेट लाइन पर है ना तो क्या बना रहा है ये लीनियर पेयर है एडजेसेंट भी है तो लीनियर पेयर बन रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन पे है तो 90 की वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाते हैं इट विल गिव यू 180 एटी माइनस नाइन्टी डिग्री विच इज़ नाइन्टी डिग्री एक्स की वैल्यू आपकी 90 आ गई है अब इसी तरह यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ़ जेड क्योंकि क्या है ये 30 प्लस जेड इज़ इक्वल टू वन एटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन एटी माइनस थर्टी विच इज़ वन फिफ्टी डिग्री जेड की वैल्यू आपकी वन फिफ्टी आ गई अब हम वाई निकालेंगे वाई कैसे निकालेंगे पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटीरियर एंगल एंगल वन कैसे निकलेगा एंगल वन नाइन्टी प्लस थर्टी प्लस एंगल वन इज इक्वल टू वन एटी एंगल सम प्रॉपर्टी तो नाइन्टी प्लस थर्टी कितना हो गया 120. वन ट्वेंटी एंगल वन इज इक्वल टू वन एटी एंगल वन की वैल्यू कितनी आ गई वन एटी माइनस वन ट्वेंटी सिक्सटी डिग्री सो दिस इज सिक्सटी डिग्री अब हमें क्या करना है वाई निकालना है तो वाई कैसे निकलेगा वाई प्लस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन ट्वेंटी अब बस हमें क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना है तो सबको ऐड कर देते हैं एक्स की वैल्यू आई है नाइन्टी वाई की वैल्यू आई है वन ट्वेंटी जेड की वैल्यू आई है वन फिफ्टी इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर थ्री सिक्सटी डिग्री सो दैट्स इट दिस इज़ योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही कुछ है जैसे कि आपको पहले तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं अंदर वाले एंगल वन सो सिक्सटी प्लस एट्टी प्लस वन ट्वेंटी प्लस एंगल वन इज़ इक्वल टू थ्री सिक्सटी एंगल वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री सिक्सटी सिक्सटी प्लस एट्टी कितना होता है वन फोटी वन फोर्टी प्लस वन ट्वेंटी इज़ टू सिक्सटी तो 360 में से 260 गए 100 डिग्री आ गया उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे सबसे पहले तो वन और एक्स का लीनियर पेयर बन रहा है सो एक्स वैल्यू विल बी 60 डिग्री Y की वैल्यू कैसे निकालोगे 80 डिग्री प्लस एंगल Y इज़ इक्वल टू 180 एंगल y कितना हो गया 180 एट्टी माइनस एट्टी इट इज़ हंड्रेड डिग्री z की वैल्यू निकालोगे z कैसे निकलेगा z प्लस सिक्सटी इज इक्वल टू वन एटी एंगल z विल बी 120 अब w की वैल्यू निकालनी है आपने तो एंगल 1 प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू वन सो w विल बी इक्वल टू वन एटी माइनस हंड्रेड सो यू विल गेट एट्टी डिग्री एज द आंसर अब हमें निकालना क्या था एक्स वाई जेड डब्ल्यू हमने निकाल लिया सबको एड कर दो एक्स की वैल्यू कितनी है सिक्सटी वाई की वैल्यू कितनी है हंड्रेड जेड की वैल्यू कितनी है वन ट्वेंटी और लास्ट वैल्यू डब्ल्यू एट्टी डिग्री तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर में थ्री सिक्सटी सो यस एडिंग ऑल द एंगल्स यू आर गेटिंग अगेन थ्री सिक्सटी डिग्री एज द आंसर Now we'll be starting with the next exercise which is exercise three point